है इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर रूट टू, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें हमारा जो करने का अप्रोच रहेगा, अप्रोच क्या रहेगा कि यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो इस पूरे को ही मैं साइन में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कुछ इस तरह से लिखा है इसको, साइन एक्स और वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू को अलग अलग कर लिया और वन बाई रूट टू कॉस एक्स। तो हमें पता है कि वन बाई रूट टू कॉस पाई बाई फोर होता है और साइन पाई बाई फोर भी वन बाई रूट टू होता है। तो मैंने इसको कन्वर्ट फिर से ऐसे कर लिया, ये साइन एक्स है और इस वन बाई रूट टू को मैंने लिख लिया कॉस पाई बाई फोर, और ये कॉस एक्स है और इस वन बाई रूट टू को मैंने लिख लिया साइन पाई बाई फोर। तो ये मेरा एक साइन का आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, ये वाली साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज़ साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए, ए का मतलब एक्स और बी का मतलब पाई बाई फोर, ऐसे हो जाएगा। अब बहुत इजीली मैं साइन इनवर्स से साइन हटालूँगा तो मेरे पास एक्स माइनस पाई बाई फोर हो गया, ये मेरा वाई है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा वन और पाई बाई फोर का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। बस ये मेरा आंसर आ गया, क्वेश्चन वन। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड है इफ़ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट थ्री कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और होल डिवाइडेड बाई टू, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर से आप ये चेक करो, ये साइन इनवर्स है तो हमारी अप्रोच यही रहेगी, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ। तो हमने क्या किया, ये है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको अलग अलग कर लिया, रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स प्लस वन बाई टू साइन एक्स। तो साइन के साथ कॉस के साथ ये मैं एंगल देखता हूँ, ये कहाँ पर होता है, रूट थ्री बाई टू साइन कहाँ पे होगा, तो मैंने इसको लिख लिया साइन पाई बाई थ्री। ठीक है, ये कॉस एक्स रहेगा और ये वन बाई टू कॉस कहाँ पे होता है, ये होगा कॉस पाई बाई थ्री पे। तो अगेन इस बार मेरी जो आइडेंटिटी बन रही है ऐसे बन रही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी विच इज़ साइन ऑफ ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए, ए मीन्स एक्स एंड बी मीन्स पाई बाई थ्री, एक्स प्लस पाई बाई थ्री। तो अब साइन इनवर्स से साइन हट गया, बच क्या गया, एक्स प्लस पाई बाई थ्री बच गया, ये वाई है तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, पाई बाई थ्री का ज़ीरो हो गया, बस ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ये है इफ़ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थ्री कॉस एक्स माइनस फोर साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई फाइव, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस बार कॉस इनवर्स है मेरे पास, तो फिर से अप्रोच हमें वही करनी है, यह है वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थ्री ओवर फाइव कॉस एक्स माइनस फोर ओवर फाइव साइन एक्स। तो इस पूरे को मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, थ्री बाई फाइव को
हमने अज्यूम कर लिया कॉस है। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, ये 3 है बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर मेरा 4 आ जाएगा। तो 4/5 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ये साइन ए हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं कॉस ए डाल लूँगा, इसकी जगह मैं साइन ए डाल लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस एक्स माइनस साइन ए साइन एक्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या होता फॉर्मूला, ये होता कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी। तो यानी क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस एक्स। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, बच क्या गया, ए प्लस एक्स बच गया बस। तो अब ए तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, और ए अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड किया तो टेन ए साइन ओवर कॉस विच इज़ 3/4। तो ए को यूजुअली हम ऐसे लिखेंगे, टेन इनवर्स 3/4। तो चाहो तो यहाँ पर ये लिख लो, टेन इनवर्स 3/4 प्लस एक्स, ये मेरा वाई है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, टेन इनवर्स 3/4 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली 1। चाहे तो यहीं डिफरेंशिएट कर सकते थे हम, तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर ये है, इफ़ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 2 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर से हमारी अप्रोच क्या रहेगी, इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन इनवर्स, ये मेरा क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स ओवर 2। तो इस बार मैं पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पुट करने से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, विच इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वो डाल लिया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे। तो 2 से ये 2 कट जाएगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, साइन इनवर्स बच क्या गया, साइन थीटा बाय 2 बच गया, दैट मींस थीटा बाय 2। और यहाँ से थीटा मेरा क्या निकलेगा, थीटा इज़ कॉस इनवर्स एक्स। तो आप वैल्यू डाल लें, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स ओवर 2, ये मेरा वाई है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज़ 1/2, तो ये है ही कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे है। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव ये है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो फिर से वही कि मेरी जो अप्रोच रहेगी, इस पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2,
तो हमने क्या किया, पुट कर लिया एक्स की जगह पे कॉस थीटा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन प्लस कॉस थीटा ऐसे माइनस वन माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई टू ऐसे। तो अब वन प्लस कॉस थीटा का आप फॉर्मूला देखो क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो वैल्यू प्लेस कर दें तो ऐसे हो जाएगा कॉस इनवर्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू एंड टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ऐसे होल डिवाइडेड बाई टू। तो क्या किया, अब हमने यहाँ से ये रूट टू और ये रूट टू कॉमन ले लें, तो कॉमन लेने से नीचे वाला टू कटेगा तो नीचे अंडर रूट टू हो जाएगा, यानी पहले तो ऐसे लिख लो, चलो रूट टू कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर से रूट हट गया, क्या रह गया कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, और नीचे मेरा ऐसे ये टू है। तो अब इस टू से इस टू को काटेंगे तो नीचे मेरा रूट टू आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू, और नीचे आ गया अंडर रूट टू ऐसे। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख लूँगा कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू कॉस थीटा बाई टू और वन बाई रूट टू साइन थीटा बाई टू। तो वन बाई रूट टू, अब ये कॉस है तो इसको भी कॉस, वन बाई रूट टू कहाँ पे होता है पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन पाई बाई फोर और साइन थीटा बाई टू। तो ये पूरी की पूरी फिर से आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया है, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी ऐसे हो गया। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, रह गया थीटा बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ये मेरा वाई है, और थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारा कॉस थीटा है, तो यहाँ से थीटा क्या है, थीटा होगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू डाल ली, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स ओवर टू प्लस पाई बाई फोर, ये मेरा वाई है। तो डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और वन बाई टू और है नीचे तो अपॉन में टू लगा दिया, पाई बाई फोर का ज़ीरो हो गया, बस ये आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5-6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12x प्लस 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 13, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो अगेन इस पूरे को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, इस अप्रोच के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 एक्स प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, 13 मैंने अलग अलग कर लिया। तो x की जगह पहले मैंने क्या किया, पुट कर लिया x की जगह पे साइन थीटा, तो x मेरा साइन थीटा है, और फिर मैंने बोला इसको, चलो पहले साइन थीटा डालते हैं, ये हो गया साइन इनवर्स 12/13 साइन थीटा 5/13 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा,
यानी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसके बाद अब मैंने 12/13 को मैंने मान लिया कॉस ए, तो ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर 5 आ गया, तो साइन ए यहाँ से क्या आएगा, होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा। तो ये हो गया वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस ए, या पहले साइन लिख लो, फॉर्मूला बनाने के लिए पहले साइन लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस ए प्लस कॉस थीटा साइन ए। तो फिर से ये मेरी एक आइडेंटिटी हो गई, कौन सी, जो ऊपर ही हमने डिस्कस करी है अभी, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ ए प्लस बी, तो थीटा प्लस ए, ये बच गया, तो साइन से साइन हट जाएगा, बच गया क्या, थीटा प्लस ए, और थीटा यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, थीटा हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ए, ये मेरा वाई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 − x², और ये कांस्टेंट है, इसका ज़ीरो हो गया, बस ये मेरा आंसर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, ये है इफ़ y इज इक्वल टू साइन 2 tan inverse √1 − x / 1 + x, फाइंड dy/dx। अब फिर से मेरी अप्रोच होगी इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करना, तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू साइन 2 tan inverse √1 − x / 1 + x, ये क्वेश्चन है। तो जब भी हमने पहले भी एक बार नोट लिखाया हुआ है कि जब भी 1 − x या 1 + x, 1, 2, 3, ये कंबाइंड हो गया, अब 1 − x, 1 + x ऐसे कंबाइंड हो गए, या फिर ऐसे कंबाइंड हो गए 1 − x + 1 + x डिवाइडेड बाई 1 − x और −1 + x, इन सारी सिचुएशंस में हम पुट करते हैं x की जगह पे cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमने क्या किया, पुट कर लिया x की जगह पे cos थीटा, तो cos थीटा पुट करने से हमारा अंडर रूट हम इजीली हटा पाएंगे, तो हो गया साइन 2 tan inverse √1 − cos θ / 1 + cos θ, ऐसे हो गया। इसका मतलब साइन 2 tan inverse √1 − cos का मतलब हो गया 2 sin square θ/2, और नीचे हो जाएगा 2 cos² θ/2, और ये सारा अंडर रूट के अंदर है। तो अब 2 से 2 कट गया, और साइन ओवर कॉस क्या हो गया, 10, तो हो जाएगा साइन 2 tan inverse √10 θ/2 हो गया, तो 10 से मेरा 10 हट जाएगा, तो क्या बचा, ये हो गया 2 θ/2 बचा बस, तो 2 से 2 कट गया फिर से, तो साइन थीटा हो गया, ये फाइनली आया, और थीटा हमारा क्या है, थीटा है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये वाई है। अब इसका डिफरेंशिएशन किया, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस कॉस इनवर्स एक्स, और फिर फर्दर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, बच गया क्या, एक्स,
और कॉस इनवर्स है मेरे पास, उसका डेरिवेटिव माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर से जब भी जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो मुझे हमारा जो अप्रोच था इसकी जगह, हमारा जो अप्रोच है ये टेन इन्वर्स है, तो इसको मुझे टेन में कन्वर्ट करना ताकि इन्वर्स हट जाए। और टेन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक्स की जगह कॉस थीटा डाला ताकि स्क्वायर हट जाए, अंडर रूट हट जाए। तो कॉस डालने से ये मेरी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो टेन ये पूरा टेन थीटा बाई टू आ गया, तो टेन इन्वर्स से टेन हट गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब ये जब थीटा का वैल्यू डाला तो इसको मैं बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो बस इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। ख़त्म।